हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास सेवन्थ का सोशल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर होने वाला है उसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, हम साथ में ही करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में सत्ताधारी जो दल का नेता कहलाता है मुख्यमंत्री, मतलब जो जीत जाती है टीम उसका जो नेता क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के विधानसभा विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितने निर्वाचन क्षेत्रों को जीतना पड़ता है? आधे से अधिक, मतलब तभी वो टीम जीत जाती है जब वो उससे आधे से अधिक वोट मिले होते हैं। डैश वायुमंडल की सबसे निचली परत है शोभ मंडल, मतलब वायुमंडल की ये यहाँ पर शोभ मंडल है, सबसे निचली परत हो जाएगी। ओजोन गैस की परत डैश से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। द इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज चीफ मिनिस्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन मिड डे मील इज प्रोग्राम इन द फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तमिलनाडु। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी वोन बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव? मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा उसको मिलने चाहिए। द लॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं, द लेयर ऑफ ओजोन हैज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन, सन से हार्मफुल रेज जो आते हैं उन्हें बचाता है। दीर्घकालीन में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। लंबे समय के लिए अगर हम किसी स्थान का मौसम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। वायु दाब मापने के यंत्र को वायु दाब मापी यंत्र कहा जाता है। दिल्ली कौन सी शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बन गया था? 12वीं शताब्दी में। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया का कब सुल्तान बनी थी? 1236 AD में। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा। माता की ओर से मुगल किस मंगोल शासक के वंशज थे? चंगेज खान की। भारत के, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुगल शासक कौन है? सभी क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बाबर भारत के प्रथम मुगल शासक थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा लेकिन पेपर रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस के। द एवरेज वेदर ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्लेस वेयर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इज रिप्रेजेंट क्लाइमेट। लंबे टाइम के लिए अगर किसी कहीं जगह का मौसम जो सेम रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज बैरोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इन विच सेंचुरी डिड दिल्ली बिकम द इम्पोर्टेंट सिटी? 12th। व्हेन डिड द सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान? 1236 AD। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वर सालवाज कॉल्ड पेरिजन बंडाग्स? नेक्स्ट देखते हैं, विच मंगोल रूलर्स डिसनेंट वर द मुगल फ्रॉम द मदर साइड्स? चंगेज खान। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खराज के रूप में किसान की अपनी उपज का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता था? खराज के रूप में किसान को अपनी उपज का 50%। 1526 में बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराया था? इब्राहिम लोदी को। आईने अकबर किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्बुल फजल ने। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट अप्रोक्सीमेटली, एक सेकेंड, क्या कहा जा रहा है, What approximately percentage of his produce did the farmer have to pay his from Kharaz? 50%. Which Delhi Sultan was defeat the Babur in 1562? Ibrahim Lodi. Who wrote any Akbari? Abul Fazal. Question देखते हैं English medium में और Hindi medium में साथ में देखेंगे यहाँ से. What do you understand by the atmosphere? What do you understand by the hydrosphere? तो देखो यहाँ पे लिखे गए हैं वायुमंडल को क्या, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं और जलमंडल से आप क्या समझते हैं। तो जितना भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल, वायु से घिरा हुआ आवरण है, गैस का आवरण है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है। जलमंडल से, जल से घिरे हुए स्थान को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जो भी वाटर से, वाटर बॉडीज हमारी अर्थ को, अर्थ को घेरे रखे, जितना भी एरिया वाटर का एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। 79% एरिया होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के कोई दो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। तो नेचुरल एनवायरमेंट क्या हो सकता है? जो जिसमें क्या होगा, बिल्कुल ह्यूमन का कोई काम नहीं है, जैसे कि नदियां, पर्वत, वन, जल, वायु, ये सब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएंगे। वाटर, एयर, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएंगे। मुगल शासन के प्रयोग में की जाने वाली जब्त व्यवस्था क्या थी? तो जब्त व्यवस्था ये थी कि भूमि का सर्वेक्षण करके, मतलब भूमि को चेक करके, उसके बाद में नकद के रूप में वो टैक्स लेते थे, वो भूमि को चेक करके कि हाँ इस पर इतना टैक्स लगेगा, इतना टैक्स लगेगा। तो ये थी जब्त व्यवस्था, जिसमें भूमि को देखकर, भूमि मतलब जमीन को देखकर वो टैक्स लिया करते थे। यहाँ पे क्या कहा गया, एक्सप्लेन द जब्त सिस्टम यूजिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में क्या था जब्त सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु वर कॉल्ड मुफ्ती
ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड एंड इसका और में दिया गया व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ मुक्तीज। दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं हम यहाँ पर। देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, सल्तनत के दौरान मुक्ति किन्हें कहा जाता था। इक्ता को संभालने वाले जो इक्ता को संभालते थे उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति के क्या कार्य थे, एक तो सेना अभियान का नेतृत्व करना, सेना अभियान का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो मुक्ति के क्या कार्य थे, एक तो सेना अभियान का वो कंट्रोल करते थे, सेना को मिलिट्री को कंट्रोल करते थे एंड सेकंड क्या करते थे, लॉज बना के चलते थे, जो कानून है व्यवस्था उसको बनाए रखना उनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, अब सेकंड क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में कितने तरह के कर लगाए, उन वस्तुओं के नाम लिखे जिन पर उन्होंने कर लगाए थे। क्वेश्चन देखते हैं देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये देखो एक सेकेंड यहाँ देखो क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, हाँ हाउ मेनी टाइप ऑफ द टैक्स वर इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ दूज आइटम विच आर वी इम्पोज। तो कितने टैक्स लगाए थे उन्होंने, तीन टैक्स लगाए थे और तीन टैक्स कौन से थे, अगर हम बात करते हैं कृषि पर उन्होंने, एग्रीकल्चर पर उन्होंने, मवेशियों पर, कैटल्स पर और उसके अलावा हाउसेज पर उन्होंने क्या लगाए थे, टैक्स लगाए थे। इसका बी पार्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य में क्या परिवर्तन आया, देखते हैं इंग्लिश मीडियम में क्या कहा गया, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया, सबको अपने अपने नियंत्रण में ले लिया, जितना पहले अलग अलग काम बटे हुए थे उन्होंने क्या किया, जितना भी कान वसूली वाला काम था उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और सामंतों से जो अधिकार थे वो भी छीन लिए, सामंत इनको जो टैक्स लेने का काम करते थे उनसे वो अधिकार छीन लिए और उनको भी जो सामंत थे या जो अधिकारी थे उनको भी क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, परितंत्र क्या है, परितंत्र को उदाहरण देकर समझाइए और इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज इकोसिस्टम, गिव टू एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम एंड इसका और दिया गया, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में देखते हैं, क्या कहा गया है, परितंत्र क्या होता है, देखो परितंत्र किसे कहा जाता है, जब जो मनुष्य है या जो जीवधारी है, जो जीवित प्राणी है वो क्या करता है, भौतिक और रासायनिक कारकों का प्रयोग करके आपस में परस्पर क्रिया करता है, जैसे कि पानी का यूज़ करना, भौतिक और रासायनिक कारकों का यूज़ करना आपस में परस्पर क्रिया करता है, उसे हम परितंत्र कहते हैं। इसके दो उदाहरण क्या होगा, घास स्थल और रेगिस्तान, डेजर्टिक एरिया हो जाएगा, ग्रासलैंड हो जाएगा। मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है, जैसे कि पर्यावरण में परिवर्तन करने से कि जंगल के मैदान है उनको साफ कर देना कृषि के लिए, पशुओं को पालना, जानवरों को पालना, रासायनिक ईंधन का प्रयोग करना जिससे कि क्या होगा, प्रदूषण होगा, तो इससे क्या करता है, वो पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्या कहा गया है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है, एटमोसफेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, जो कि सूर्य की गर्मी से हमें बचाता है, गैस, धूल के कण, जलवाष्प इसके अंदर है, वायु क्या करता है, वायु को एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा और वो होने से बचाता है, इसके अलावा मौसम और जलवायु का ध्यान रखता है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्या कहा गया है, यदि आप अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होते तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाते। तो देखो खुद सोचो कि दवाइयों को थोड़ा सस्ता कर देते, जैसे कि हॉस्पिटल अच्छा कर देते, सुविधाएं अच्छी कर देते, खुद लिखने के क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बड़ी इजीली अपने शब्दों में लिख सकते हैं और इजीली नंबर भी मिल जाते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं, राइट एंड एटमोसफेयर इंपॉर्टेंस फॉर उस, हमें बताना है कि सूर्य से हमें जो हानिकारक किरणें उनसे बचाता है, धूल मिट्टी कण होते हैं इसके अंदर है ना, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बतानी है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, इफ़ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट व्हाट द स्टेप वुड यू टेक इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटी। डॉक्टर्स अच्छे, मतलब अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छी डॉक्टर की एजुकेशन अच्छी होंगी, उसके बाद में देखो क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ सस्ती कर देंगे, दवाइयाँ अच्छी दवाइयाँ कर देंगे और बहुत ईजिली मिल जाए इस तरीके से कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट बहुत जल्दी मिल जाए, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। व्हाट वॉज द डिफिकल्ट फेज इन द पालमपुरम एंड व्हाट स्टेप वर द टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर टू रिवॉल्व दिस डिफिकल्टी, क्या स्टेप लिए थे वहां पर। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी वो देखते हैं, वहां पानी, पीने का पानी जो अच्छा नहीं था, गंदा पानी आ रहा था, हेजे की बीमारी फैल रही थी, ये वहां की समस्याएं थी। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या दिए, अच्छे हॉस्पिटल दिए उनको, जो जिनकी डेथ हो रही थी, जो बीमार थे उनको मुआवजा दिया और साफ पानी दिया। देखो चैप्टर अगर रीड किया होगा तो आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, हम सिर्फ पैराग्राफ को नहीं, हम आंसर्स देखते हैं क्योंकि आपको आंसर्स आने ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो क्या कहा गया है, शोभ मंडल के ऊपर की परत क्या कहलाती है, समताप मंडल। शोभ मंडल के ऊपर की परत क्या कहलाती है, समताप मंडल। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श है क्योंकि वहाँ पे मौसमी घटनाएं, जो मौसम की घटनाएं हैं वो नहीं होती। ओजोन परत हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणों को ये रोक लेता है। यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं, व्हाट इज द लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर कोल्ड, अब अवर लेयर को हम क्या कहते हैं, जो ट्रोपोप्लास्ट से क्या होती है, एक सेकंड देखो यहाँ पे, जो ट्रोपोप्लास्ट से क्या है, अपर है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं और वहाँ पे क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या करता है, ये हार्मफुल रेज से हमको बचाता है। अभी यहाँ पे सेकंड दिया गया है, संविधान
के लेखकों के भाषा धर्म त्यौहार के विषय में क्या विचार थे, कि यहाँ पे क्या कहा गया भी कि भारत का कोई एक धर्म या भारत भाषा धर्म त्यौहार सबका अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। भी कोई ऐसा नहीं है कि एक धर्म को सब जो लोग बनाएंगे ऐसी कोई जरूरत बात नहीं है। भारत किस प्रकार से धर्म निरपेक्ष राज्य है, भारत धर्म निरपेक्ष है क्योंकि यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं और सभी धर्म को बराबर मान्यता मिलती है। एक धर्म निरपेक्ष देश होने के क्या लाभ है, इससे हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं। देखो उसके बाद में यहाँ पे एक शून्य में देख लेते हैं, तीनों ही क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। Where were the view of the constitution right about the language, religion and festival? Their government must be treated and resolved equal. सभी को क्या करना है, equal. How is India a secular country? Secular country of people in different region and have to freedom to practice and follow their religion without any discrimination. What were the advantages of the being a secular country? It is important to element that unity. We will all live together and respect to each other. Next question देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं अगले पेज पर। देखो भारत में कितनी भाषाएं व धर्म बोले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर वन है। उसके बाद आप किस प्रकार एक विविधता वाला देश है, भारत किस प्रकार एक विविधता वाला देश है, विविधता के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखो, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 8 मुख्य धर्म है और 1600 से ज़्यादा यहाँ पर क्या बोली जाती है, भाषाएँ बोली जाती है। हम उन लोगों को सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं, हमारे दिखते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे सोच सकते हैं, मतलब अलग अलग धर्म भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए वहाँ क्या है, विविधता में एकता है हमारे देश में। ध्यान से समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और विविधता का महत्व समझाइए, हम सभी का सम्मान करते हैं, सबके साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे अफसाना के बारे में बात की गई है कि जो क्या है, अलग से गेम खेलती है एक लड़की। अफसाना कौन सा खेल खेलती है, बास्केटबॉल यहाँ दिया गया। अफसाना किस प्रकार अन्य लड़कियों से लगा, क्योंकि वो खिलाड़ी बनना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन टीम जिला टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में कैसे पहुंची। इस टीम में मुंबई में कई क्लबों की टीमों को अचरण डाल दिया, सिर्फ हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम जिला स्तर के टूर्नामेंट फाइनल में पहुंची। देखो क्वेश्चन आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसी में से ही करने होंगे। अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, इससे पहले एक पैराग्राफ और रहेगा वो देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। देखो हाँ ये रहा, यहाँ पे कहा गया तो फर्स्ट देखो क्या कहा गया, कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, 1600 लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद में अलग अलग रिलीजन्स यहाँ पे मनाए जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, विविधता डाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योरिटी पीपल, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेफ एंड फील करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आ गया, हाउ डज ये देखो यहाँ पे क्या गया, डाइवर्स कंट्री क्यों, क्योंकि अलग अलग धर्म भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। राइट इन इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस क्या है डाइवर्सिटी की, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके बाद ये अफसाना वाला पैराग्राफ दिया गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया विच गेम्स डज प्ले अफसाना बास्केटबॉल, हाउ इज अफसाना इज इंस्पिरेशन फॉर अदर गर्ल्स बींग अ लीडर या बींग अ बास्केटबॉल प्लेयर बन के ना। उसके बाद में यहाँ पे दिस टीम इज मैनेज टू, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, विद द लॉर्ड्स ऑफ गट्स एंड करेज टीम रीच टू द सेमीफाइनल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, किससे हिम्मत से वो वहाँ पर पहुँची। उसके बाद यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से करना है। देखो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पे मैप देखते हैं, ज़रूर आप इसको अच्छे से करिएगा। सबसे पहले पूछा गया जम्मू एंड कश्मीर, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद पानीपत पूछा गया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानीपत का एरिया। उसके बाद अजमेर राजस्थान में अजमेर पूछा गया, तो देखो राजस्थान में अजमेर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, देखो कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, मालवा हो जाएगा, बंगाल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बरार पूछा जाएगा, तो ये वाला एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, बरार हो जाएगा। अच्छे से आप मैप कर लीजिएगा, मैप के 5 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, अच्छे से समझ के अच्छा अच्छा पेपर करिएगा। थैंक यू गाइस, सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइस।